We gave them training to care for the sick, to cook, to care for children, to do the prenatal care, Ayurvedic care, so that if they go as professional workers, they get a better wage, their work is regulated, and they can get benefits because they go collectively to work. So this is how we have tried to organize the members from earlier on. In the organization, they are also able to get a small PF because the employer has to contribute as well as the worker contributes. Then the members can draw loans on their PF so that they also have assistance when they are in need. Seva in general has a health insurance for its members. So the domestic workers have been able to take membership in the broader health insurance of Seva. And now, after the workers, domestic workers have been recognized under the RSBY, the domestic workers have also registered in the RSBY in Kerala. Kerala has now established minimum wage for domestic workers and also have permitted that domestic workers can register in the Skilled and Artisans Welfare Board. This is a beginning, but it's anyway with very limited facilities for women, but anyway it's a start. In Seva, since it's the work of women undertaken collectively, every year a small percentage of the workers also get leave with pay. They are not all of them don't get it every year, it's in rotation because it's from the collection of their own funds that they have been able to get this leave with pay. This whole organizational effort was only to demonstrate to government that government can also do something for domestic workers. Seva has done it in a small way, but based on this, we are pushing the government and the state government to regulate domestic work in similar ways. ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में भी घरेलू कामगारों पे चर्चा हो रही है काफी. यहाँ घरेलू कामगार सेवा की ओर से और दूसरी संगठनों की ओर से कल 7 जनवरी घरेलू कामगार दिवस का आयोजन किया जा रहा है. तो पूरे देश में जहाँ जहाँ भी सेवा कार्यरत थे घरेलू कामगार हैं हमारे और भी संगठन हैं जो कि इन लोगों के लिए दिवस मना रहे हैं. तो एक तो आपके सामने अभी ये बीना बेन जो गुजरात से आई हैं वो सेवा नेशनल यूनियन की ओर से क्या डिमांड है इन लोगों के लिए, क्या हम मांग कर रहे हैं उसके बारे में आपसे बात करेंगे. फिर जो आयोजन क्या है उसके बारे में आपसे चर्चा की. जैसा कि पूरा बताया नलिनी बहन और मनोरमा बहन ने, दोनों ने बताया कि हम सेवा की ओर से ये डिमांड कर रहे हैं कि ये घरेलू कामगार के लिए इनेबलिंग एक्ट होना चाहिए प्लस मॉडल रूल्स होना चाहिए. ये हमारा सेवा का डिमांड है कि ये एक्ट होना ही चाहिए. हमें पॉलिसी नहीं चाहिए घरेलू कामगार के लिए, पर हमें एक्ट चाहिए, कानून चाहिए प्लस मॉडल रूल्स चाहिए. दूसरा है कि ये एक्ट में ही पूरा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होना चाहिए, उसमें ही पूरा जो वर्क ऑफ रेगुलेशन होना चाहिए. दूसरा सोशल सिक्योरिटी होना चाहिए और तीसरा है कि लीगल सेल होना चाहिए प्लस हेल्पलाइन, ताकि कोई भी समस्या आती है तो ये पूरा घरेलू कामगार है वो इनफॉर्मल सेक्टर्स है तो वो लेबर कोर्ट में जाके कुछ अपनी समस्या रेज नहीं कर सकते. इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि पूरा लीगल सेल होना चाहिए प्लस हेल्पलाइन होना चाहिए, ताकि कोई भी समस्या है वो हेल्पलाइन यूज कर सके. तीसरा हमारा डिमांड है कि अभी सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर बिल के लिए चर्चा हो रही है तो उसमें डोमेस्टिक वर्कर शामिल होना चाहिए. ये हमारी तीन मेन डिमांड सेवा की ओर से है. धन्यवाद. जैसा कि मनोरमा बहन ने बताया कि 7 जनवरी को सेवा भी घरेलू कामगार दिवस मना रही है और मैं मध्य प्रदेश में बताना चाहूंगी कि हम कल किस तरह से इस दिवस को मना रहे हैं. हम 10 जिलों में जो घरेलू कामगार महिलाएं हमारे सदस्य हैं उनके साथ एक सम्मेलन का आयोजन किया है हमारे 10 जिलों में मध्य प्रदेश में, और भोपाल जो कि हमारी राजधानी है मध्य प्रदेश की, वहाँ पर एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है. उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की जा रही है और एक बड़ी एक ओपन जो जिसको कन्वेंशन बोलते हैं सभा, रैली के बाद उस सभा का आयोजन है जहां पर से हम मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन देने वाले हैं जाके. और ये डिमांड हमारी है कि उन्होंने जो पॉलिसी बनाई है उसको कानून में तब्दील किया जाए मध्य प्रदेश में भी. और ये जो महिलाएं जो मैंने पहले आपको बताया जो ग्राम पंचायतों में निवास करती हैं और काम करने शहरों में आती हैं उनको भी इस पॉलिसी में शामिल किया जाए और इसको कानून में तब्दील करें. फिर त्रिपक्षीय जो सामाजिक सुरक्षा का इनका जो बोर्ड है वो मध्य प्रदेश में बने और इसके जो
संगठन होते हैं इसके जो पंजीकृत यूनियन है घरेलू कामगारों को, उनको इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाए। दूसरा, मध्य प्रदेश में जो सेवा के सदस्य हैं हमने उनको एक बैच बना के दिया है घरेलू कामगार दिवस का, और वो हमारे जो सदस्य हैं वो बैच लगा के काम करने जाएंगे, ताकि उसकी हम ये पूरे जो समाज है जिनके बीच में जो हमारी बहनें जाके काम करती हैं, ताकि वो भी जाने और शासन भी जाने कि आज इसको घरेलू कामगार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इन केरला वी हैव डिसाइडेड दैट सिंस इट्स द 7th देयर विल बी अ हाफ डे स्ट्राइक ऑफ वर्क, वुमेन विल नॉट गो टू वर्क एंड इंस्टेड ऑफ गोइंग टू वर्क दे विल ऑल मीट इन अ पब्लिक प्लेस एंड हैव अ पब्लिक मीटिंग वेयर देयर विल बी सेवरल public representatives who will they will address at that public meeting. We have doing this jointly in Kerala with the National Domestic Workers Movement, so that Seva and the National Domestic Workers Movement means a larger collection of domestic workers will go on strike together. Of course, during the whole week, like in Madhya Pradesh, also all the members will use their badge so that the public also gets aware. This is a huge issue on which the public are not aware, because domestic work has never been considered as work. And so unless the public also cooperate, the domestic workers are not going to be able to get these demands. So this is the reason why they will use their badge and explain wherever they go what their demands are. और गुजरात में हम लोग जो घरेलू कामदार है उनका एक मीटिंग कर रहे हैं और उनकी जो समस्या है उसका मेमोरेंडम हम देने वाले हैं। पेंशन किस तरह से, क्या योजना है पेंशन के लिए? जिनके घर में काम करती हैं वो पेंशन दें या सरकार कोई योजना चाहती है? घरों में जिनके काम करती हैं कभी 6 महीने, कभी 2 महीने, कभी 1 साल, तो कितनी अवधि के बाद पेंशन का जो रूल है उस रूल के हिसाब से पेंशन वाला मामला थोड़ा क्लियर करिए। देखिए, जो सामाजिक सुरक्षा है जिसमें पेंशन भी आती है, जैसे आप शायद बाद में आई हैं, जो साथी आए हैं जो घरेलू काम करती हैं, उन्होंने कहा है कि हमारा जब तक हाथ पैर चल रहा है जब तक तो हमारा जीवन चल रहा है, उसके बाद हमारा क्या होगा। तो जो पेंशन के बारे में जो मांग है कि सरकार एक त्रिपक्षीय कल्याण मंडल का गठन करें इनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए, और उस कल्याण मंडल की तरफ से इनके लिए ये पेंशन शुरू की जाए, मंथली पेंशन जैसे दूसरे कामदारों के लिए शुरू करी है सरकार ने, बीड़ी कामदारों को मिलती है, निर्माण श्रमिकों को निर्माण श्रमिक के मंडल से मिलती है, मंथली पेंशन होती है 60 साल के बाद जबकि व्यक्ति काम नहीं कर पाता है, जैसे दूसरे कामदार हैं फैक्ट्री वाले या सरकारी में जो काम करते हैं। तो ये डिमांड है कि उनके लिए भी ये पेंशन हो। एम्पावरमेंट इज फैक्टर बाय विच वुमेन हैव टू ऑर्गेनाइज, कलेक्टिव स्ट्रेंथ इज एम्पावरमेंट इन दिस केस। सो एक्चुअली द यूनियंस हैव ट्राइड, it's not as if women are not empowered, it is because they are working in individual homes that it becomes very difficult to make demands. Therefore the importance of the role of the state also comes in, and therefore we are asking for an act, we are asking for minimum wage announcement, because till now domestic work, there are only 5 states which have announced minimum wages for domestic workers. There are hourly wages and daily wages which have been announced in some states, 5 states altogether. So once that is done and the public is made aware, then through their unions the domestic workers can get these demands. So that is on the empowerment level. And minimum wages have to be, that means if domestic work is scheduled, they will get an announcement of a minimum wage. So these are the two issues on which we are struggling. And if the placement agencies are registered, then the placement agencies can also be controlled. That is what we are asking through this institutional mechanism, that there the domestic workers will register, employers will register, as well as the placement agencies will register. And if they register and pay their contributions, this aspect of social security will be taken care of. Because there was a question, how will you get a pension? A pension is based on the contributory nature of the board. So if there is a tripartite board in which all players are registered, then the contributions are automatic when you register, and then the social security fund is created. So that is what we are asking for. All the states had set up the women commission. Yes, women commission. Did you approach what the empowerment aim is? All state governments and national government also, they have commission. Yes. National commission for women and yes. State commission for women. Yes. Actually, the National Commission for Women has developed a bill for domestic workers as well. But it's, you know, these are all bills which are lying in the shelf.
If it, and several states have been trying to push these things. So what we are demanding at national level is that national government should decide. Every state, national commissions in several states have got draft bills. But unless the center decides to push for something like this, it becomes difficult. Maharashtra already has a bill which was pushed by the state commission, women's commission in Maharashtra. So every state has got draft bills. But we are waiting for, the center also has to take a position on it. और कोई क्वेश्चन? दिल्ली में कोई कल कार्यक्रम करेंगे क्या? कल जितने भी हमने वर्कर्स को ऑर्गेनाइज किया है सबके लिए एक बैच बनाया है राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस का, और जिसमें कि हम ये उनको कह रहे हैं कि वो इसको लगा के जाएं ताकि जो उनके एम्प्लॉयर्स हैं वो समझें कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, और या फिर राष्ट्रीय स्तर पर कोई दिवस मनाया जा रहा है जिसमें ये शामिल हो रहे हैं, तो ये ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस है। और साथ साथ हम लोग उनके साथ एक मीटिंग कर रहे हैं उनके इश्यूज को हाईलाइट करने के लिए, उनके इश्यूज को लेने के लिए। न्यू अशोक नगर एक जगह है, वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे घरेलू कामगारों को और इसके साथ साथ हम लोग इस मीटिंग के बाद हम लोग ये चाह रहे हैं कि दिल्ली सरकार से हम लोग एक राज्य स्तरीय एक बोर्ड का बोर्ड की मांग करें कि इन वर्कर्स के लिए, डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए, जिसमें खास करके बहुत सारी महिलाएं आ रही हैं बाहर से, माइग्रेंट वर्कर्स भी हैं, और यहाँ पर बिल्कुल उनके लिए कोई कायदा कानून नहीं है, किसी भी तरह से वो रेगुलेट नहीं हो रही हैं। तो अगर ये बोर्ड यहाँ पे बनता है, दिल्ली में बनता है, साथ साथ हम लोग एक्ट की तो मांग कर ही रहे हैं जैसा हमारे सहयोगी ने बताया यहाँ पे, लेकिन हम दिल्ली सरकार से भी बोर्ड की मांग करेंगे ताकि हम लोग बोर्ड के थ्रू उनको रेगुलेट कर सके और उनके जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो हम चला सके। प्लेसमेंट एजेंसीज को कैसे कंट्रोल करेंगे आप कि उनके द्वारा जो लड़कियां जाती हैं उनको कोई बिक्री उनका कोई पैसा नहीं है, ज्यादा पैसा वो लोग रख लेते हैं, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या आप एजेंसी से संपर्क करेंगे? नहीं, इसलिए हम क्या चाह रहे हैं कि हम वर्कर्स को सबसे पहले ऑर्गेनाइज करें, तो वो हमने प्रोसेस शुरू कर दिया है। लगभग अभी तक हमने 4000 डोमेस्टिक वर्कर्स को ऑर्गेनाइज किया है आनंद विहार के इलाके में और न्यू अशोक नगर के इलाके में। इसके साथ साथ हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसके इनके लिए एक कानून हो राष्ट्रीय स्तर पे, जो हमारे सहयोगियों ने बताया। फिर हम दिल्ली सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि एक बोर्ड हो जिससे कि इनका रेगुलेशन हो सके, इनके लिए कायदे कानून हो और इनका कुछ रेगुलेशन हो सके कि जहां पे ये अप्रोच कर सके, और बोर्ड ऐसा हो जहां पे कि अगर इनके पास कोई मुद्दा है, मान लीजिए सेक्सुअल हैरेसमेंट का मुद्दा है या फिर इनका वेतन का मुद्दा है, तो वो जाके वहां पे अप्रोच कर सके। अभी क्या होता है कि अभी इनके पास कोई रिड्रेसल फोरम नहीं है, कहीं भी ये नहीं जा सकती हैं। अगर वो एजेंसी वाले के थ्रू जा रही हैं या हैरेसमेंट हो रहा है तो अभी इनके पास कुछ भी मुद्दा नहीं है, कहीं भी वो जा नहीं सकती हैं, कोई जगह नहीं है। अभी क्या होता है कि जैसे हम आपको उदाहरण के तौर पर बताएं, हम लोगों के साथ दो केस ऐसे हुए हैं कि हमने अब जैसे हम वर्कर्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो सबको हम कार्ड देना शुरू कर रहे हैं सेवा का, कि यूनियन का ये यूनियन की ये मेंबर है, तो ये यूनियन के कार्ड को लेकर इन्होंने दो केस हमारे सामने ऐसे आए जिसमें इन्होंने खुद से सॉल्व किया। एक जगह पे क्या था कि उनका पैसा ड्यू था और पैसा वो एम्प्लॉयर दे नहीं रहा था, तो उन्होंने ये कार्ड दिखाया और उन्होंने कहा कि हम इस यूनियन के मेंबर हैं, अगर आप नहीं देंगे तो हम यूनियन के लोगों को लेके आएंगे। तो उन्होंने फिर इमीडिएटली पेमेंट कर दिया। उनको कुछ डर लगा हुआ, कुछ भय लगा हुआ, तो ऑर्गेनाइज स्ट्रेंथ से सबको डरता है, ऐसे अगर अकेले कोई अप्रोच करते हैं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली दूसरा केस एक ऐसा हुआ जहां पे कि एक एम्प्लॉयर ने उनके घर में कुछ सोने का सामान गुम हो गया, तो वो आरोप सीधा सीधी वो घरेलू कामगार पे लगा दिया उन्होंने, तो घरेलू कामगार को आरोप भी लगाया और उनको पुलिस के हवाले भी कर दिया, मतलब पुलिस में भी केस कर दिया, तो पुलिस भी उनको डिटेन कर ली। पुलिस जब डिटेन की तो उन्होंने, उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि उन्होंने एक सेवा का कार्ड दिखाया, और फिर हम लोग को पता चला, हम लोग फिर गए, हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग इनको जानते हैं, हम लोग वाउच करते हैं कि ये हमारी मेंबर हैं, और फिर पुलिस ने फिर उनको छोड़ दिया, क्योंकि वो एक्चुअली उन्होंने चोरी नहीं की थी। वो क्या होता है कि घर में कुछ भी सामान चोरी होता है सबसे पहला शक घरेलू कामगार पे जाता है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, महिला हो। तो वो दो केस अभी हाल के दो महीने में, तो अगर इस तरह का कोई रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है तो उसके कारण वो हैरेस होते हैं। उनको लगता है कि ठीक है क्या होगा, ज्यादा आरोप लगाओ, उनको टॉर्चर करो, उन पर दबाव डालो, ये छोड़ देंगे, कोई और आ जाएंगे काम करने के लिए। तो अभी कोई रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है, तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि हम लोग रिड्रेसल मैकेनिज्म कोई ना कोई सेटअप करें दिल्ली का। मैं मध्य प्रदेश से हूँ और हमारे यहाँ हमने 20,000 घरेलू कामगार महिलाओं को संगठित किया है। मध्य प्रदेश में 5,00,000 हमारी सदस्य हैं। सेवा जो राष्ट्रीय यूनियन की बात करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं और सारे राज्यों की बात कर, हमारे जो घरेलू कामगार महिलाएं हैं, आपने बताया कि कुछ असामाजिक तत्व उनको उकसाते हैं और कुछ वो चोरियां करती, सही बात है,
लेकिन इसको लेके हम हमारी हमारे देश में जो 1 करोड़ घरेलू कामगार लोग हैं उनको तो अनदेखा नहीं कर सकते। उनकी तो हमको सामाजिक सुरक्षा भी चाहिए, उनके कानून चाहिए। क्योंकि आज सुबह मैंने टीवी में देखा, इंडिया टीवी में, आपके गुड़गांव की बात है, एक 8 साल का बच्चा, उसकी माँ के पास खाने को नहीं था तो उसने उसको वहां पर नौकर रखाया था, एक बहुत बड़ा कपड़ा व्यापारी है उसके यहाँ, और उस बच्चा 2 साल से काम कर रहा है। टीवी में दिखाया उसको, उसके घर की महिला ने, मालकिन ने लातों से मारा, उसको बहुत बेरहमी से पीटा और 2 साल में उसको कई बार अपने घर के कुत्ते से कटवाया, 8 साल का बच्चा। ये घरेलू कामगार की ऐसी बदतर जब हालत है तो सामाजिक संगठन के चुप बैठे रहना चाहिए उनको, क्या यूनियन को बोलना नहीं चाहिए? हमारे जो महिला यूनियन है, हम असंगठित क्षेत्र के लिए, महिलाओं के लिए काम करते हैं और उनके हक की लड़ाई लड़ना तो हमारा कर्तव्य है, और इसीलिए हम आए हैं आपके सामने बैठे। जी सर, इस क्षेत्र में एनजीओ काम कर रहे हैं, एक नेशनल डोमेस्टिक वर्कर यूनियन भी है और कई एनजीओ और भी काम कर रहे हैं, और सेवा भी एक यूनियन है, असंगठित क्षेत्र का ट्रेड यूनियन, तो वो भी काम कर रही है। कई राज्यों में इनको लेके स्वयंसेवी संगठन है और सेंट्रल ट्रेड यूनियन भी इनके लिए काम कर रहे हैं, और सेवा खासकर क्योंकि असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिकों का एकमात्र पंजीकृत संगठन है। जो भी बड़े बड़े शहर हैं, टाउनशिप्स बन रही है काफी, मैं आपको इंदौर का, जहां से मैं आई हूं, तो जो आपके सामने बहन बेटी जो इंदौर से आई है, पहले अगरबत्ती बनाती थी 10 साल पहले, लेकिन जो दूसरे ट्रेड्स में काम खत्म हो रहा है, अगरबत्ती का काम नहीं मिल रहा है क्योंकि पानी की दिक्कत है, बीड़ी का काम कम हो गया, तो कई जो कामदार जो पहले दूसरा काम करते थे वो घरेलू काम की तरफ चले गए, क्योंकि एक तो उनका जो पहले अपना खुद का काम था वो छूट गया, और दूसरा इनका डिमांड भी काफी हो गया, क्योंकि हमारे समाज में अभी एकल संस्कृति का जो प्रचलन शुरू हुआ है, सिंगल फैमिली जिसमें पति पत्नी दोनों काम करने जाते हैं और घर में बच्चों को संभालना, खाना बनाना, ये सब काम के लिए वो घरेलू कामदार पे निर्भर है। अगर एक दिन भाई नहीं आए तो या तो पति छुट्टी लेके बैठेगा या पत्नी छुट्टी लेके बैठेगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, और उनके बारे में अगर कानून बने हमारे देश में और सामाजिक सुरक्षा हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये सेवा की डिमांड है, और कई संगठन भी इसमें काम कर रहे हैं और सेवा ने भी उनके साथ नेटवर्क किया है राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। बहुत बहुत आभारी है, आप लोगों ने इतना टाइम दिया और बहुत अच्छी चर्चा हुई, और हम चाहते हैं